हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है लॉरियल पैरिस का स्किन परफेक्ट एंटी फाइन लाइंस प्लस वाइटनिंग क्रीम दोस्तों, और ये टारगेट करता है स्पेशली एज 30+ वालों के लिए। मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता दूँ ये कितने में रिटेल करता है। ये रिटेल करता है 4 रुपीज़ 149, ये देखिए, और इसकी जो नेट वेट है वो 18 ग्राम्स की ट्यूब है। ये एक ट्रायल पैक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो आप पहले इसे ट्राई कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट आप जो स्विच कर सकते हैं जार फॉर्म में, जिसमें जार फॉर्म भी अवेलेबल है। ये क्लेम करता है कि इसमें SPF 21 है, PA++ है, तो आप इसे सनलाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो बड़े आराम से इसे सनलाइट में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं कहूँगी एक एंटी एजिंग क्रीम तो नहीं है, बट ये जो फाइन लाइन्स आ जाती है बहुत जल्दी आँखों के आसपास, तो उस चीज़ को एक क्योर देने के लिए और थोड़ा फेस को फ्रेश और वाइटन दिखाने के लिए ये क्रीम बनाई गई है। क्रीम तो काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, ये 30+ क्रीम है दोस्तों, मतलब जो एज 30 जिन्होंने पार कर ली है 30 to 40 तक, उनके लिए ये क्रीम बनी है। उसमें 20+ भी अवेलेबल है। कोई रोहिणी शर्मा है फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वो रोहिणी शर्मा ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये 30+ की रिव्यू करूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी तक 30+ में कन्वर्ट नहीं हुई हूँ, ना ही मैं 30 की हूँ अभी तक दोस्तों, मानिएगा इस बात को। ये मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूँ दोस्तों, जब मैंने इसे शॉप से परचेज़ किया था तो शॉपकीपर ने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो 27 ईयर्स से आपको ये 30+ वाली ही परचेज करनी पड़ेगी। यस फ्रेंड्स, ये इस शॉपकीपर ने मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा है इस चीज़ के बारे में। तो अगर आप 27 के हैं और अगर आप एक अच्छा सा सुंदर सा चेहरा चाहते हैं, अगर आप ये क्रीम लेते हैं तो आपको 30+ वाली क्रीम ही परचेज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको इस क्रीम के बारे में बता दूं कि मैंने खुद इसे पर्सनली यूज़ भी किया हुआ है, काफ़ी मतलब मुझे फ्रेश फील हुआ है फेस अपना। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि स्किन इज़ फेयरर एंड स्मूथ, तो यस, काफ़ी स्मूथ क्रीम है और स्किन में भी काफ़ी स्मूथ फील होगा और फेयर फील होगा, मतलब फेयरनेस आपको फील होगी दोस्तों। और डे बाय डे फाइन लाइंस आर विजिबली रिड्यूस्ड, वो तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको यूज़ करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये चीज़ जो क्लेम की हुई है ये इस पर टिकती है कि नहीं। और स्किन क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड, यस, ये आपको भी फील होगा। और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, यस। स्किन टोन इज़ इवन, यस। डार्क स्पॉट्स आर फेडेड, नो। डार्क स्पॉट्स को ये फेड आउट नहीं करता है। मेरे को खुद को एक चीक पे एक पिंपल निकला हुआ है, तो मतलब वो पिंपल एज इट इज़ पिंकिश एक पॉप आउट दिख रहा था, तो उस चीज़ को तो इसने फेड आउट नहीं किया हुआ है। ये आपको बस एक फ्रेश लुक देता है दोस्तों, बट फ्रेश लुक बहुत अच्छी लुक है, जो जैसे कि जो फेयर स्किन टाइप वाली गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं वो अगर इसे अप्लाई करती है तो उनको वाकई में मतलब काफ़ी फ्रेश उनके फेस को बताएगा ये। ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है दोस्तों, मेरी खुद की ऑयली स्किन है तो मैंने पर्सनली इसमें एक्सपीरियंस किया इसे यूज़ करके कि हल्का सा मुझे चीक से ये मुझे लगता है कि ये इसने मतलब थोड़ा ड्राई हो गई थी मेरे फेस पे, जैसे कि मतलब माय स्किन वांटेड सम एक्स्ट्रा फूड कि हाँ जी मिल गया तो मैं खा लूँ, बट वो ड्राइनेस मुझे तकरीबन 2-5 मिनट्स की ही थी फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा वो लास्ट नहीं की, बट फेस बहुत फ्रेश दिख रहा था दोस्तों इसे लगाने के बाद, और ये फेस की जो फ्रेशनेस थी वो लास्ट की कुछ 3-4 घंटे तक दोस्तों, मानिएगा इस बात को। ये देखिए ये इस तरीके से अंदर से दिखती है, काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी स्लीक भी है। आप इसे आराम से ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हैंडबैग पे इसे ज़रूर रखिएगा। मैं आपको इसे अंदर से ही बता देती हूँ ये किस तरीके से है अंदर से। ये रनी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और ये देखिए मैंने एक अमाउंट निकाल ली है अपने हाथ पे, काफ़ी इजीली ये निकल भी जाता है, इसकी जो नोज़ल है काफ़ी मतलब अच्छी है कि आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकलेगा। ये देखिए ये इसका ये ज़्यादा रनी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं इसे ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आराम से, ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए है ये। इसकी जो स्मेल भी है फ्रेंड्स, जो लॉरियल के शैम्पूज़ मिलते हैं सेम मतलब सेम उस तरीके से ही काफ़ी हद तक इसकी जो है स्मेल रिलेट करती है। मैं इसे अपने हाथ में आपको रब करके बता देती हूँ। रोहिणी जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप डेफिनेटली मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को एक थम्सअप ज़रूर दीजिएगा, वो मतलब मुझे काफ़ी मतलब मुझे वो मैसेज कर रहे थे कि मैं इसकी रिव्यू करूँ और उन्हें बताऊँ कि ये कैसी है।
ये देखिए, ये मैंने अपने पूरे हैंड में लगा दिए फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं मेरा ये हैंड कितना फ्रेश और कितना मतलब फेयर भी दिख रहा होगा आपको। और आप मेरे इस हाथ को देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ब्लैंड लग रहा होगा जैसे कुछ भी नहीं लगा, एक बेयर हैंड है ये। और ये आपको लग रहा है कि मॉइस्चराइज्ड है और काफ़ी स्मूथ भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्मूथनेस आप खुद फील कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों हाथों में, देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं लगता है ये, बहुत नेचुरल लगता है दोस्तों, बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसा फील नहीं होगा। आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है कि आप नहाने के बाद कोई और क्रीम लगाते हैं तो उसके बदले आप इसे रोज़ यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने कहा ये ट्रायल पैक है, तो ये आपको महीने भर तक तो आराम से आपको ये चल जाएगा, आपको ये जो ट्यूब है उसके बाद आप स्विच कर जाइए जो जार फॉर्म में है। मेन को अगर यूज़ करना है तो मेंस भी इसे बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मैट है तो कोई शाइन नहीं है इसमें, तो मेंस भी इसे बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश और वाइब्रेंट तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ दिखाएगी आपके फेस को। एक अच्छी क्रीम है ओवरऑल, और लॉरियल पैरिस है तो वैसे भी इसमें कुछ ये ब्रांड अपने आपको तकरीबन प्रॉमिसिंग काफ़ी हद तक साबित करता ही करता है दोस्तों। ड्राई स्किन वाले तो डेफिनेटली इसे परचेस कीजिएगा, एंड मैंने जैसे कि कहा ऑयली स्किन वाले दोनों सारे स्किन टाइप्स इसे बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। 149 है, कोई ख़राब डील नहीं है, आप इसे यूज़ कीजिए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मुझे तो ये क्रीम अच्छी लगी है ओवरऑल, मतलब ये एक डिसेंट चीज़ है, कोई इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और ये जैसे कि लिखा है नॉन ग्रीसी, तो ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, कम्प्लीटली मैट है फ्रेंड्स। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स या आपके फेस में कोई रैश या किसी किस्म की इरीटेशन तो बिल्कुल नहीं हो गई है। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राइट साइड में जो आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, की मैं जो वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक बहुत ईजिली पहुँच भी जाएगी दोस्तों। और रोहिणी जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रिव्यू पसंद आई हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, बाय।